देखिए ये पहली बार नहीं, कई सालों से जो हम ये मंदिर देखने को मिल रहा है और बहुत सारे लोग पूरा साल भर इंतजार करते हैं ये मंदिर के लिए। आज मुझे भी मौका मिला आके यहाँ पे रहने का, हाजियों के बीच में रहने का, उनकी दुआएं लेने का और उनके बसेस को इनॉग्रेट करके आगे रवाना करने का मौका मिला है। मैं तमाम हज कमेटी के मेम्बर्स को, यहाँ के स्टाफ को और वॉलंटियर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे एक मौका दिए आज उनके बीच में रहने का। और ये जो मंजर है और जिस तरह से वहाँ पे मैं जब लोगों से मिलने गया था जो दुआ की दरखास्त कर रहे थे कि उनको भी आने वाले दिनों में हज करने का मौका मिले, मैं तो दुआ करूंगा जितने भी लोग हैं उन तमाम लोग हमारे दोस्तों में, हमारे वॉलंटियर्स हैं, हज कमेटी मेंबर्स हैं, जो लोग छोड़ने के लिए आए हैं, उन तमाम लोगों को अल्लाह ताला बहुत जल्द से जल्द हज करने का मौका उनको दे। और हज कमेटी की तरफ से जो भी इंतजाम किए थे उन तमाम लोगों को मैं शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूं और मुबारकबाद भी देना चाहता हूं कि जितने बेहतरीन तरीके से इंतजाम किए हैं, ये मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में किसी भी शहर में ये मंजर को देखने को नहीं मिलता। इसमें मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और दुआ करना चाहता हूं उनके लिए जो लोग इसकी नींव डाले, इसका फाउंडेशन डाले और इतना बढ़िया जो हज कैंप, जो हज भवन जो बन के दिए हैं और इस तरीके का जो एक कल्चर कर्नाटका में जो शुरू किए हज के ताल्लुक से, हाजियों के ताल्लुक से जो शुरू किए, उन लोगों को भी अल्लाह इसका अजर दे। उन लोगों को भी हम लोगों को दुआ भी करना चाहिए, याद भी करना चाहिए। और फिर से एक बार मैं तमाम वॉलंटियर्स का, खासकर जो बिना किसी शर्त के, बिना किसी अहदे के यहाँ पे आके जो हाजियों की खिदमत करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ और उनको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। अल्लाह तमाम हाजियों को सही सलामत से वापस हज करने के बाद में वापस कर्नाटक को लेके आए और अपने अपने उनके घर तक पहुंचाए। इसकी दुआ करते हैं और अपनी बात करते मैं गुलाम में मुंह उठा।
जहां चल के रुक गए थे।